दिन बहुत बिजी जाने वाला है क्योंकि आज जो है हमारा एक चिट चैट एक्टिविटी है, गेट टुगेदर है लेडीज़ के साथ, और साथ में दोपहर में मेरी एक डायरेक्टर है उनके साथ भी लंच है, तो दोनों काम साथ साथ करने हैं। तो इस वक्त जो है मैं जा रही हूँ मार्केट ताकि सामान ले सकूँ, क्योंकि जो हमारी एक्टिविटी गेट टुगेदर है उसके लिए मैंने मैकरोनी बनाने हैं, जूस बनाना है, और पेपर ग्लास और पेपर प्लेट का भी इंतज़ाम करना है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ ही अरेंज कर रही हूँ। तो कुछ काम वो कर रही हैं, कुछ काम मैं कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा सा कुछ होने वाला है मज़े का, ज़रूर उसकी हाइलाइट्स भी आप लोगों के साथ में शेयर। चलिए जी, मार्केट आ गई है। सामान लेते हैं, मुझे एल्बो ज़्यादा अच्छी लगती है, हमारे पास यहाँ पर एल्बो नहीं है। ये वाली अच्छी है, सिरका ख़त्म हो चुका था तो सिरका लेना है, विनेगर यहाँ पर यही वाली मुझे यही लेनी पड़ेगी। सब्जी की जगह पर बहुत रास्ता हो गया, कहीं और से लेती सब्जी की दुकान से, और अब यहाँ से निकलते हैं। लेना था जाम शीरी, चले जी ये तो हो गया, मैंने यहाँ पर सारा काम कंप्लीट, अब यहाँ से चलते हैं। मैं जाऊंगी सब्जी लेने, थोड़ी सी लेनी है, सब्जी लेते हैं फिर घर जाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है सब्जी वाला है तो मैं अब जाके सब्जी लेती हूँ। चल चलाती भी धूप है, गर्मी है, हल्की सी हवा भी चल रही है वैसे। हो गई है छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी मेरी सब्जी है यार, ये चीज़ें ज़्यादा लोग मेरे घर में बच्चे बच्चे खाते तो हैं नहीं। मैक्रोनी बनती है कभी, गाजर शिमला मिर्च और गोभी आती है, और हरी प्याज आती है, मैं इसके अलावा तो वही चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं होती, तो इसलिए थोड़ी सी ली है। गर्मी बहुत हो रही है, बस अब घर जाते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं हवाले करूँगी नाज़िया के, और फिर शाम के इवेंट की तैयारी करेंगे।
जनाब ऐसे होती हैं तैयारियाँ और इस तरह से जो है हम मिलकर काम करते हैं। ये मैंने टैग्स बना लिए हैं प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए। बच्चों की एक्टिविटी के लिए मैंने कुछ कलर बुक्स, कलरिंग बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं, ये मैंने रख लिए हैं, कलर्स रख लिए हैं। ये मैं अब अपनी जो मेंबर है उसके घर पे देने जा रही हूँ माहम, ताकि वो थोड़ी सेटिंग कर ले। प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी रखनी है, ये मैं देने जा रही हूँ। देन मैं अपने ऑफिस जाऊँगी बाकी प्रोडक्ट्स लेने के लिए और मीटिंग करने के लिए। अच्छा जी, अब मैं जाऊंगी सामान ये जो मैंने रखा है माहम को दूंगी ताकि वो सेटिंग कर ले, फिर ऑफिस से बाकी डिस्प्ले प्रोडक्ट्स लेकर और रेडी होके फिर मैं आऊंगी इंशाल्लाह 4 बजे तक माहम के घर। चलें जी, रिवर्स करें गाड़ी और निकलें। शीशा बहुत गंदा और है, सफाई वाला आया नहीं अभी तक। चले बेटी, आप बाहर निकले ना, सही की चिलचिलाती हुई धूप है, गर्म हवा चल रही है, करे शाम तक ठंडी हो जाए ये हवा। जय जी, सामान दे दिया है, अब हम निकलते हैं मेरे ऑफिस की तरफ, क्योंकि जो है अरे भाई ऑफिस चलते हैं और वहाँ का काम कंप्लीट करते हैं। आज हमारा इवेंट अच्छा हो जाएगा, शाम तक बस हवा ठंडी हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी गाड़ी भी अल्लाह की नेमत है कि चिलचिलाती गर्मी में भी अगर बाहर निकले तो गाड़ी में ऐसी है। और जो लोग कहते हैं ना कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, और मतलब मेरे ख्याल से ही किसी काहिल ने मकौला निकाला है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, के पैसे से जो है वो सहूलियात ख़रीदी जा सकती हैं, और पैसे से जब सहूलियात ख़रीदी जाती है तो आपको खुशी मिलती है, आपकी परेशानियों में कमी आती है। तो खुशी तो इंसान के आसपास से होती है, वो किसी भी चीज़ में खुश हो सकता है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हैं, जो अल्लाह की नेमतें हैं, वो पैसों से ही हासिल होती हैं। तो पैसा भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इससे इसका वसूल करना भी अल्लाह की जो है वो इबादत है, इसके हलाल इबादत है, और उस रिस्क को अच्छे तरीके से खर्च करना, अपने घर वालों के लिए खर्च करना, अल्लाह की राह में खर्च करना, और अपने हालात बेहतर करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। हमारे यहाँ जो है ना दीन को और दुनिया को अलग अलग कर दिया जाता है कि अगर कोई पैसे कमाने में तगदूल में लगा हुआ है तो उसे कहा जाता है भाई कितना कमाओगे, भाई कब्र में लेके जाओगे क्या, दुनिया दुनियादारी में लगे हुए हो, दीन भी कमा लो भैया। तो भाई मैंने बहुत सारे जो है ना कमाने वालों को ज़्यादा दीनदार देखा है, क्योंकि वो अपने मामलात में अल्लाह से डरते हुए करते हैं अपने मामलात, उनके अखलाकियात मैंने अच्छे देखे हैं, उनके चीज़ें अच्छी देखी हैं जो कि अल्लाह को पसंद है। और बहुत सारे सिर्फ जो बज़ाहिर दीनदार दिखते हैं, नमाज़ें रोज़े हज उम्रे, और उनको देख के लगता है कि बस ये दीनदार तो बस यही है, उनको बहुत से मामलात में देखा है कि सही नहीं है, ऐसे काम करते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है, ख़ास तौर पर अल्लाह की मखलूक को तंग करते हैं। तो
हमारा काम नहीं है लोगों को जज करना कि वो दीनदार है या दुनियादार है। यू नेवर नो कौन अल्लाह से कितना ज़्यादा करीब है। गुनाह सवाब का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। हम कौन होते हैं लोगों को फतवे देने वाले कि भाई आप ऐसे हो या वैसे हो, हमारा इख्तियार ही नहीं है। हाँ, अच्छी बात बताना और बुराई से रोकना ये हमारा काम है, इससे ज़्यादा हमारा काम नहीं है। हमारा अपना काम है अपने आप को हम अमली तौर पर किस तरह रखते हैं। तो भाई अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी गाड़ी है, ठंडी गाड़ी है, गाड़ी भी उसमें एसी भी अच्छा है। ये दोनों चीज़ों का अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला शुक्र करने वालों में शामिल करना। तो जनाब सफ़र हो रहा है हमारा, हमारे ऑफिस तक का, और ये यहीं पर इस तरह से मोबाइल रख के गाड़ी चलाई जा सकती है, वरना ज़्यादा ट्रैफिक में तो आप बिल्कुल भी इस तरह गाड़ी नहीं चला सकते मोबाइल पकड़। बस गाड़ी से उतरते ही गर्म हवा के झप्पड़ पड़ने लगे हैं और अब हम चलते हैं ऑफिस। आज तो यहाँ पर भी लोग काम आए हुए हैं, वरना यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती है, मुझे बहुत गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है या फिर इस टाइम पे जब लोग आते हैं। खैर बहर हाल ये मैंने अपनी एक मेंबर हैं सुमैरा उनसे टेस्ट रिज बनाने के लिए, तो मेरे पास एक क्ले मास्क है, एक क्वेंचिंग मास्क है, इसके मैं टेस्ट रिज बनाऊंगी और इसके साथ ही मैं एक प्योर स्किन स्क्रब है उसका भी टेस्ट बनाऊंगी। और ये सारी प्रोडक्ट्स मैंने इसके अंदर रख दी हैं मेकअप की, तो अब मैं जल्दी से बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया फास्ट फॉरवर्ड क्योंकि यहाँ पर हम लोग बातें भी कर रहे थे, रमीशा आई हुई हैं और हम लोग लंच कर चुके हैं, और उसके बाद मैं अब अभी लंच नहीं किया, ऑर्डर किया हमने लंच का, और साथ में मैंने ये बना रही हूँ ताकि साथ साथ ये भी हो जाए, हमारी हमारी बातें भी हो जाए, लंच भी हो जाए। और ये जो है ना, मैंने देखा कि ये बहुत बड़ा है टेस्टर के लिए, इससे भी छोटा वाला एक आता है चटनी वटनी रखने के लिए, तो वो ज़्यादा सही है, इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाएगी और थोड़ी प्रोडक्ट डालेंगे तो वो बहुत थोड़ी लगेगी। तो है बहरहाल इसमें मैंने ये क्ले मास्क है जिनकी ऑयली स्किन होगी उनको मैं ये दूंगी, और ये है प्योर स्किन का स्क्रब। सैम्पल्स बनाते हुए बस ये ख्याल रखें कि आपकी फिंगर जो है वो टच ना हो प्रोडक्ट के साथ, बिल्कुल आप डायरेक्टली ही उसके अंदर पोर कर रहे हो, या अगर आप स्पून यूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल क्लीन हो और फिंगर आपकी जो है वो टच ना हो, हाथ धुले हुए हों बहर फिर भी टच नहीं होना चाहिए। अब मैं तैयार होके फिर जो अब हमारे मेकअप खत्म हो चुका है, ये वाला फाउंडेशन यूज़ करूँगी, अच्छा प्राइमर जो है ना मैं लगा चुकी थी, तो अभी मुझे फ़िलहाल प्राइमर की नीड नहीं होगी क्योंकि मैंने जो है
मास्क अप्लाई किया था उसको रिमूव करने के बाद ये वाला प्राइमर यूज़ कर लिया था, तो मुझे प्राइमर यूज़ करने की अब नीड नहीं है, तो इसको हम रख लेते हैं वापस। और इसके साथ ही और क्या लगाना है, ब्लश ऑन किट है, ये ब्लश ऑन कंटूरिंग किट है, इसके अंदर हाइलाइटर है, ब्लश और कंटूर है, बहुत अच्छी किट आती थी ये ओरिफ्लेम की, तो अब देखिए अब क्या नई चीज़ आती है इसके अंदर हमारे पास। और अब इसमें से मैं निकालूँगी फेस पाउडर और आई शेडो किट है, ये भी बड़ी अच्छी किट है, ख़त्म होने वाली है मेरी। चलिए बाकी इसमें चीज़ें हैं, इनसे मैं अब रेडी होती हूँ और फिर चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं ऑफिस से वापस उतर चुकी हूँ, अब जाना है, बाकी का सामान भी ऑफिस से लेना था मुझे, वो मैंने ले लिया और अब जा रहे हैं। पूरे स्टार्टिंग व्लॉग में आपने देखा होगा मैं अपना फेस नहीं शो कर रही थी क्योंकि मैं तैयार नहीं थी, अब मैंने मेकअप कर लिया है तो इसलिए अब मैंने कहा कि चले अब अपना फेस भी दिखाई लें, अब चलते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक होता है, गाड़ी होती है, तो मैं यहाँ पर गाड़ी चलाते हुए मोबाइल नहीं यूज़ कर सकती। अब मैं घर जाऊँगी, घर से मैक्रोनी बना ली होगी नाजिया ने वो उठानी है और फिर उसके बाद मैं माहम लेकर जाऊँगी। तो जनाब थोड़ी सी देर हो गई है और अब हम भाग रहे हैं। मैं जो ना ऑफिस से कूलर लाना भूल गई, मैं घर का कूलर ऑफिस में था तो वो बस घर आके ना जूसेस को बॉटल्स में भरने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। माहम की आ रहे हैं, माहम के मैसेजेस आ रहे हैं कि आप कहाँ हैं, तो बस मैं पहुँच रही हूँ और ये दूसरी गली है और उसमें माहम का घर है। हम लोग स्क्रिबलिंग की एक्टिविटी करेंगे। जो स्क्रिबलिंग की हमारी एक्टिविटी होती है वो बेसिकली हम लोग ना माइंड रिलैक्सिंग के लिए करते हैं। वो हमारे आज की एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, सामान सारा मेरा गाड़ी में और मैं जा रही हूँ घर। नाया बहुत ज़्यादा थक गई है, आपको ले लूँ मैं व्लॉग में नहीं अल्लाह हाफिज़ इर्तज़ा, अल्लाह हाफिज़। चले भैया अब हम घर जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह आगे से चलते। सही है चले ना, हाँ लेट्स गो। थक गए हैं बहुत ज़्यादा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा मीटअप रहा माशाल्लाह, बहुत अच्छी लेडीज़ आई थी और बहुत अच्छी चिट चैट हुई सबको जानकर, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, दोस्ती भी हो गई और हमने प्रोडक्ट भी ट्राई करवाई, सबको प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी लगी। सो ओवरऑल इवेंट वाज वेरी गुड और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि नेक्स्ट टाइम दोबारा से आप ये मीटअप रखें, तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट भी जो है वो प्लान हो चुका है। सो तो ये था आज का हमारा व्लॉग और मैंने काफ़ी कोशिश की कि आज की से काफ़ी चीज़ें कवर कर सकूं लेकिन यू नो लेडीज़ हिजाब करती हैं तो मैंने इवेंट को कवर नहीं किया उस तरीके से, इसलिए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा कोई इस तरह का जो आउटसाइड मीटअप होता है तो उसमें ज़रूर कवर करूंगी, बट होम मीटअप को जो है ना वो लाइव शेयर करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हर कोई जो है वो अपनी वीडियो या पिक्चर सोशल मीडिया पर नहीं डालना चाहता। आपने अगर हमारे गेट टुगेदर या मीटअप में आना है, एक्सपीरियंस करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में हमारी डिफरेंट सिटीज़ में हो रहे होते हैं लेकिन मैं कराची में हूँ तो कराची में हम लोग कर रहे होते हैं, भेरिया टाउन में हूँ यहाँ पे, वो कराची के डिफरेंट एरियाज में हम कर रहे होते हैं तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। अगर आप जो है सोशलाइज होना पसंद करती हैं और आप चाहती हैं कि आप पर्सनल ग्रूमिंग भी करें, आप इंजॉय करें, सोशलाइज हों, नए फ्रेंड्स बनाएं और
साथ में पैसे भी कमाएं, इंजॉय भी करें, अपना करियर बनाएं ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर. सो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस. हम लोग बहुत इंजॉय करते हुए सब कुछ करते हैं. इंशाल्लाह आपको भी इस तरह से मज़ा आएगा. और लास्ट है मेरी जो कैमरा मैन है, उनका नाम है अनाया नवीद. थैंक यू अनाया नवीद. और सो नाउ आई एम साइनिंग आउट. कैमरा मैन अनाया नवीद के साथ सलवा जहीर. अल्लाह हाफिज़.